आप जंग लड़ने जाएंगे तो आप अपने देश के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए लड़ेंगे। आखिर कैसे तोड़ने जा रहे हैं अक्षय कुमार अपना ही खुद का रिकॉर्ड। काफी लंबे समय के बाद तो फाइनली दोस्तों बॉलीवुड से आने जा रही है एक ऐसी फिल्म जो अपने वजूद से इंडियन सिनेमा की बड़ी से बड़ी फिल्मों को टक्कर देने वाली है और साथ ही इंडियन सिनेमा में अपने और सुपरस्टार अक्षय कुमार के नाम बहुत बड़ा इतिहास रचने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी सुपरस्टार अक्षय कुमार की एक ऐसी फिल्म का इंतजार कर रहे हैं जो ना किसी फिल्म का रीमेक हो और ना ही किसी फिल्म की अडेप्टेशन, प्योर ओरिजिनल कहानी के साथ आए, जैसा कि साल 2007 में आई सामाजिक मुद्दे के ऊपर टॉयलेट एक प्रेम कथा और इसी के साथ 2018 में आई डायरेक्टर आर बालकी के निर्देशन में बनी बायोपिक और सामाजिक मुद्दे के ऊपर बनी एक और मास्टरपीस फिल्म पैडमैन। और जैसा कि अक्षय कुमार का रिकॉर्ड है कि जब भी वो बायोपिक या कोई सामाजिक मुद्दे के ऊपर फिल्म लेकर आते हैं तो वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ देती है। और ऐसे ही झंडे गाड़ने एक बार अक्षय कुमार फिर लेकर आ रहे हैं एक गोरखा सोल्जर के ऊपर बनी एक्शन से भरपूर बायोपिक जो हर किसी को पसंद आने वाली है। जी हां दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस फिल्म में ऐसा क्या है खास और साथ ही बात करेंगे इस फिल्म की रिलीजिंग को लेकर आई नई अपडेट के बारे में और ये फिल्म आपको कब तक देखने को मिल सकती है इस बारे में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। तो हेलो दोस्तों, माय टॉक्स के और फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आनंद एल राय और हिमांशु शर्मा के निर्देशन में बन रही गोरखा जो कि तकरीबन 100 करोड़ से ज्यादा के बजट में बनाई जा रही है, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं संजय पूरन सिंह चौहान। और दोस्तों आपको बता दूं, वैसे तो इस फिल्म को इसी साल रिलीज होना था लेकिन अकॉर्डिंग टू रूमर्स ऐसी खबरें निकल कर आ रही है फिल्म मेकर्स इस फिल्म की कहानी को बहुत ही एडवांस लेवल पर बनाने वाले हैं, जिसके लिए वो फिल्म के कुछ सीन और स्क्रिप्ट पर फिर से काम कर रहे हैं। तो इसीलिए खबरें आ रही हैं कि ये फिल्म अब 2024 में देखने को मिलने वाली है, इसीलिए खबरें यहाँ तक आ रही हैं। फिल्म का प्रॉपर टीजर ट्रेलर अनाउंसमेंट वीडियो दिवाली के आसपास देखने को मिल सकता है। और दोस्तों, जैसा कि इस बार अक्षय कुमार एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट के ऊपर फिल्म लेकर आ रहे हैं जिसमें अक्षय कुमार गोरखा बटालियन के एक सोल्जर के किरदार में नजर आने वाले हैं। और दोस्तों कहते हैं गोरखा सोल्जर इतने बहादुर होते हैं कि अगर उनके बंदूक की गोलियां भी खत्म हो जाएं तो वो अपने हथियार यानी खुकरी से दुश्मनों को मार गिराते हैं। और गोरखा सोल्जर की खुकरी में कितनी ताकत होती है वो आप फिल्म के पोस्टर को ही देखकर समझ गए होंगे, क्योंकि पोस्टर में जितना अक्षय कुमार को दिखाया गया है उतना ही खुकरी को भी। तो इसलिए ये तो तय है इस फिल्म में अक्षय कुमार के जबरदस्त एक्शन देखने को मिलने वाले हैं। और जैसा कि गोरखा बटालियन के ऊपर ये फिल्म है, उससे ये कहना गलत नहीं होगा इस फिल्म से अक्षय कुमार अपना खुद का रिकॉर्ड तो तोड़ने ही वाले हैं लेकिन उसके साथ साथ वो कई बड़ी फिल्मों का भी रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। और बॉक्स ऑफिस पर अक्षय कुमार की बड़ी मियां छोटी मियां और गोरखा ये दोनों फिल्में ऐसी होंगी जो ब्लॉकबस्टर फिल्में साबित होंगी। बाकी दोस्तों आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मूवी से रिलेटेड ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।